तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं कि वफाकी हुकूमत कराची और अंदरून सिंध में बारिशों से तबाही के बाद बहाली के लिए अपना किरदार अदा करे। सदर मुमलिकत ने दौरा किया लेकिन मदद नहीं की। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिखा लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया। वफाकी हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि जो दो साल में नहीं किया वो अब कर लें। कराची के छह अजला और अंदरून सिंध में उमरकोट, मीरपुर खास, बदीन, सांगड़ में जो तबाही हुई है, मैं समझता हूँ वफाकी हुकूमत को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। और वज़ीर आला सिंध ने, जब वज़ीर आज़म पिछले दिनों कराची तशरीफ लाए थे तो उस वक्त भी सिंध की आवाम का ये मुकदमा वज़ीर आज़म के सामने रखा था। उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने एक ख़त भी इरसाल किया वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कि आपको अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। अभी तक कोई हमें मुस्बित जवाब, थोड़े जवाब वफाकी हुकूमत की जानिब से मौसूल नहीं हुआ। सदर मुमलिकत कराची तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने दौरा भी किया था इन मुतासर इलाकों का। उन अजला की आवाम के मसाइल हल करने के लिए किसी पैकेज का ऐलान वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। कराची के अंदर जो तबाही हुई है उसके हवाले से भी कोई नुकसान वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं आया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान से वफाकी हुकूमत से गुजारिश करना चाहूँगा लोगों की मदद करने के लिए। जो वफाकी हुकूमत को किरदार अदा करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मैं गुजारिश करूँगा, मैं ये दो सालों में नहीं किया तो आज से वो प्रोसेस स्टार्ट करें।